अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि जयपुर में 3 दिन पहले गंगापोल इलाके में इकबाल नाम के एक 17 वर्षीय युवक की मॉब लिंचिंग करके हत्या कर दी गई थी। गंगापोल इलाका जो आता है वो हवा महल विधानसभा क्षेत्र में आता है। इकबाल रहते थे किशनपोल विधानसभा क्षेत्र में। अब जो हत्या की गई है, मॉब लिंचिंग की गई है, ये गंगापोल इलाका जो हवा महल विधानसभा क्षेत्र में आता है, मैं जानना चाहता हूं कि वहां के जो हमारे विधायक साहब हैं उन्होंने इसकी कितनी जिम्मेदारी ली, क्योंकि जिम्मेदारी तो हमें किसी ना किसी की तय करनी पड़ेगी, कोई ना कोई तो जिम्मेदार होगा ही इस मॉब लिंचिंग के लिए। तो हमारे हवा महल के विधानसभा क्षेत्र के जो विधायक महोदय हैं श्री महेश जोशी जी, उन्होंने इसकी जिम्मेदारी कब ली, किस लेवल पे ली और उन्होंने इसके लिए क्या कार्रवाई की, ये मैं जानना चाहता हूं उनसे। वो मृतक के घर गए, मुश्किल से 4 से 5 मिनट वो रुके और वहां से गायब हो गए। एक हैं महेश जोशी जी, वो क्या वहां जिम्मेदारी लेने गए थे कि हाँ साहब मेरी जिम्मेदारी हुई, हमारी इससे चूक हुई, हमारी गलती थी, हमारा पुलिस महकमा प्रशासन की गलती रही जो वहां ये मॉब लिंचिंग हुई, और क्या वो मृतक के परिवार को यह बोल के आए कि मॉब लिंचिंग करने वाले सभी अपराधियों को जल्द से जल्द पकड़ के कड़ी से कड़ी सजा दिलवाएंगे। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से, हमारे विधायक महेश जोशी जी से पूछना चाहता हूं कि इसकी जिम्मेदारी माननीय मुख्यमंत्री जी ले रहे हैं या हमारे विधायक श्री महेश जोशी जी ले रहे हैं, क्योंकि वो इलाका गंगापोल इलाका हवा महल विधानसभा क्षेत्र में आता है तो जाहिर सी बात है वहां के विधायक और पुलिस प्रशासन की ही जिम्मेदारी बनती है। तो क्या महेश जोशी जी ने उन कातिलों को पकड़वाने के लिए कुछ स्पेशल टीम गठित की, कुछ स्पेशल निर्देश दिए कि जल्द से जल्द उनको पकड़ा जाए और कड़ी से कड़ी कानून के तहत, कानूनी प्रावधानों के तहत उनको कड़ी से कड़ी सजा दिलाई जा सके, ताकि आगे भविष्य में इस तरह की कोई घटना वहां ना हो। माननीय विधायक महोदय का इस पर अभी तक मैंने कोई बयान नहीं सुना है, जो एक अफसोस वाली बात है आप सबके लिए, हम सबके लिए और खुद माननीय विधायक महोदय के लिए कि उन्होंने वो इस जिम्मेदारी से भाग क्यों रहे। उनके विधानसभा क्षेत्र में इस तरह का अपराध होता है तो उस अपराध के रोकथाम के लिए उन्होंने क्या कार्रवाई की, उस अपराध ये लोग बेलगाम कैसे हो गए उनके विधानसभा क्षेत्र के। मैं ये सवाल तब तक पूछता रहूंगा विधायक महोदय से जब तक मुझे इसका जवाब नहीं मिल जाता। कि आप भी ये सवाल विधायक महेश जोशी जी से पूछें कि आपने इस पर क्या कार्रवाई की, कातिलों को कब पकड़ा जाएगा, कब सजा मिलेगी, क्या आपने पुलिस और प्रशासन से इसको फास्ट ट्रैक में ले जाने के लिए इल्तिजा की। क्योंकि ये मैं इसलिए सारी बातें कर रहा हूं क्योंकि जब पूरा पुलिस महकमा वहां बैठा था, जब इस चीज पर काफी हमारे बुजुर्ग लोग, काफी मौजूद लोग वहां मौजूद थे और इस घटना की निंदा कर रहे थे और उस पर डिस्कशन कर रहे थे, तब विधायक महोदय वहां नहीं थे, जिनकी सबसे ज्यादा जिम्मेदारी बनती थी महेश जोशी जी की, वो वहां मौजूद नहीं थे। पूरी घटना के तहत, पूरी घटना, पूरा जो घटनाक्रम ये चला रात से लेकर अगले दिन शाम तक, जब तक कि इकबाल भाई को दफन नहीं किया गया, तब तक करीब करीब 24 घंटे में वो 4 से 5 मिनट के लिए वहां नजर आए। क्या उनकी जिम्मेदारी नहीं बनती थी कि वहां मृतक के परिवार के साथ खड़े रहते और पुलिस प्रशासन को निर्देश करते कि इस घटना की जल्द से जल्द जांच होनी चाहिए और कातिल पकड़ में आने चाहिए और उनको फास्ट ट्रैक के तहत जल्द से जल्द कड़ी से कड़ी सजा दिलाई जा सके, ये उनकी जिम्मेदारी थी। तो मैं आप सभी लोगों से इल्तिजा करता हूं, आप लोगों के माध्यम से मैं भी सवाल कर रहा हूं और आप भी सवाल करें, क्योंकि ये सिर्फ इकबाल का मसला नहीं है, आज इकबाल है कल कोई और होगा, सोचे जरा इस पे। शुक्रिया।